My name is Anish Singh Thakur and welcome to this analysis video जहां पे हम top down analysis क्या होता है समझेंगे। आपको लग रहा होगा कि यार मुझे तो पहले से मालूम है, वही होता है monthly खोले weekly खोले। नहीं, actually कौन से time frame को नहीं देखना है और multiple time frame analysis कैसे इसमें attach करते हैं और कौन से time frame में क्या देखना है, what kind of thing you should find in daily, in hourly, in weekly, इन मंथली, ये सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दिस इज अ फुल एजुकेशनल वीडियो विद प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि मार्केट एनालिसिस बनाना ही होता है तो बहुत सारे एग्जांपल मिल गए अप्लाई करने के लिए क्यों ये सब टाइम फ्रेम खोल रहे हैं अपन लोग। तो गुड लर्निंग प्लस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन टुमारो। ओके, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो विद फुल इंटरेस्ट एंड आराम से ईयरफोन्स लगा करके देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो गाइस, टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉप डाउन एनालिसिस, क्या होता है टॉप डाउन एनालिसिस, और साथ ही साथ मार्केट एनालिसिस भी कर लेंगे ताकि काफी सारे एग्जांपल मिल जाएं। अभी फंडामेंटली देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती है टॉप डाउन एनालिसिस करना, मतलब कि पहले ग्लोबल इकोनॉमी देखें, लोकल इकोनॉमी देखें, तो फंडामेंटल। मैं टेक्निकल की बात करूं, अगर मैं टेक्निकल्स की बात करता हूं तो हम यहां पे आते हैं। ठीक है, ये रही मेरी लिस्ट। सबसे पहले तो जो मैं आप लोगों को स्टॉक्स देने वाला हूं ट्रेड करने के लिए, ओके, जो कल मार्केट के लिए मंडे के लिए आपको देने वाला हूं। बट बिफोर वी डू दैट, लेट मी टेल यू, यहां पे क्लिक करने से टाइम फ्रेम्स खुलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे तो एक मिनट से लेकर के एक मंथ तक का टाइम फ्रेम दिया हुआ है। द मेजर टाइम फ्रेम्स फॉर अ ट्रेडर आर 1 month, ओके, 1 week, 1 day, 1 hour, 30 minutes, 15 and 5। If you trade forex or commodities, then 4 hours is also an important time frame for you, not for stock market people. Why 4 hours is important for commodities and forex, but not for stock market? Because stock market is open only for 6 hours, 6.5 hours. But commodity market या forex market जो दुनिया का होता है, that is open 24 hours. क्योंकि वो 24 hours open होता है और ये 6 hours open होता है। तो हमारा 1 घंटा 4 घंटा इस तरीके की, क्योंकि उतनी देर खुला होता है। दैट इज व्हाई यू डोंट यूज फॉर स्टॉक मार्केट, क्योंकि 4 घंटा कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन क्या डेली क्लोजिंग मैटर करता है, इसलिए नेवर लुक फॉर अ 4 आवर टाइम फ्रेम फॉर स्टॉक मार्केट। बट यस, डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम फॉर कमोडिटीज एंड फॉरेक्स। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड टाइम्स बता दिए, आई नेवर यूज 1 मिनट, आई नेवर यूज 3 मिनट, नेवर 45 मिनट्स, नो नीड टू यूज ऑल दैट। ओके, अभी टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब देखो, आप सुन के ही समझ गए होगे, ऊपर से नीचे आना। किसी स्टॉक को देखना है, अगर ये मंथली चार्ट है बजाज फाइनेंस का, ठीक है, बजाज फाइनेंस का मंथली चार्ट आप देख रहे हो, अगर आप मंथली चार्ट ऐसा देखोगे तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, यू सी कि मार्केट किस तरीके से बुलिश हुआ। ओके, तो आज ये हमारे इस मंथ की कैंडल है। कौन सी कैंडल है ये? 1st फेब की कैंडल है। दिस इज 1st फेब कैंडल। ओके, तो कभी भी हमको एनालाइज करना है स्टॉक को, अगर टॉप डाउन एनालिसिस करना है तो वी स्टार्ट विद अ बिगर टाइम फ्रेम, बट नॉट लाइक अ स्टूपिड पर्सन। मतलब कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो कोई मतलब नहीं मंथली चार्ट देख के या वीकली देख के भी, क्लियरली बता देता हूँ। कई लोगों को लगता है, कई लोग मैं जानता हूँ क्योंकि पढ़ लिए होते कहीं से, कि टॉप डाउन करना है तो मंथली में बुलिश। अरे मंथली में बुलिश है तो क्या हुआ भाई, हो सकता है थोड़ा सा कल ये नीचे ड्रॉप हो जाए, ये मंथली बुलिश होके भी कल का दिन 2% का फॉल आ सकता है। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देता हूँ, मंथली इनफैक्ट वीकली भी आपको नहीं देखना इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, वीकली इज ऑल्सो ऑफ नो यूज फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, ये स्विंग ट्रेडिंग के काम आएगा। जब आपको एक लॉन्ग पोजीशन लेनी हो किसी स्टॉक में, कि अगर आपको पोजीशन लेनी है कि आपने एंट्री की, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कि यार यहाँ पे एक बढ़िया इंपल्सिव वेव आई है, ये हुई करेक्टिव वेव, अभी ये ब्रेकआउट हुआ तो आपने पोजीशन ले ली बजाज फाइनेंस में, दिस इज समथिंग। कितने दिन के लिए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 weeks, 15 weeks मतलब कितने महीने हो गए, देखो 4 हफ्तों का 1 week होता है, अराउंड 3-4 months। When you want a longer position, you then check weekly. And when you want to take a position for like, you know, 6 months, more than 1 year, for 1 year, then you go for monthly chart. तो पहले ही top down analysis video start करने के time पे मैंने आपको बता दिया कि एक ये जो approach होती market structure समझने की, this is only and only for people taking long term positions, minimum 3 months, 4 months, you check weekly time frames. And monthly time frame minimum 1 year. You check monthly time frame. Else intraday और swing trading जिनको करनी, कैसी swing trading? आज 2-3 दिन की, हफ्ते की, 10 दिन की, कल की, तो आपके जो आपका टॉप डाउन एनालिसिस स्टार्ट होता है कहाँ से? You guessed it right, daily time frame से।
So this is the most important time frame for, you know, short-term traders. अच्छा, अभी इसका डेली भी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, ये कोई मतलब नहीं ट्रेडिंग मार्केट खुलते खुल जाए जब, तब तो कोई मतलब ही नहीं होता। एक बार 3 बजे देख सकते हो कि शेप कैसा बन रहा है। इस टाइम फ्रेम का एक ही काम है, ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन जॉब रोल। वॉट इज द जॉब रोल? ना, ये नहीं देखना कि ट्रेंड कैसा है, पागल हो क्या? मंथली डेली में ट्रेंड देखोगे? ट्रेंड देखना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आपको आवरली देखो, मिनिमम आवरली देखो। इसका पता है काम क्या है? सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर समझाना और ये बताना कि भाई रिसेंटली कैसी कैंडल बनी है, ये सिर्फ ये जॉब है। ओ डोजी बना है, अगला क्या बन सकता है? मे बी इवनिंग स्टार। हाँ, मे बी इवनिंग स्टार, अगला क्या बन सकता है? मे बी सीधे ब्रेकआउट करके सीधे ऊपर, कुछ भी। तो मतलब यू अंडरस्टैंड कि यार किस मार्केट किस कौन सी जगह पे है, कैसी बॉर्डर पे है। कैसी बॉर्डर पे है बोलने का मतलब, अगर आप ये देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको मालूम चलता कि अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे। अगर हम फिर से देखें यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर डेली टाइम फ्रेम देखते, अगर हम इस ब्रेकआउट को देखेंगे, दिस इज अ डाउन ट्रेंड ओवर हियर एंड देन यू सी अ ब्रेकआउट एंड अ रीटेस्ट, है ना, देखो इट्स अ ब्रेकआउट एंड अ रीटेस्ट। तो ये बहुत काम आता कि भाई टेक एंट्री 3 बजे, 3 बजे हमको 1 फरवरी को 3 बजे एंट्री कर लेनी चाहिए थी। बजाज फाइनेंस में मिल गया अपन को एक अच्छा स्विंग ट्रेड, या इंट्राडे ट्रेड भी मिल सकता था। नेक्स्ट डे मार्केट यहां तक तो गई ना, प्रॉफिट बुक कर सकते थे इस लेवल पे, एक्जैक्टली उस लेवल पे टच करके वो वापस आया। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड डेली टाइम फ्रेम्स। तो डेली टाइम फ्रेम का क्या काम होता है अभी आपने देखा, चलो ओके। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दिस कहां जाएंगे? 1 घंटा। क्यों खोएंगे 1 घंटा? तो साथ ही साथ मैं आपको टॉप डाउन के साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम की भी कुछ नॉलेज दे रहा हूँ। 1 घंटे का काम किया है, 1 घंटे में आपको ना मेजर मेजर लेवल्स चेक करने, देख के क्या समझ में आ रहा है यार, हाँ दीज आर दी मेजर लेवल्स, हाँ ओके दिस इज डेफिनेटली अ मेजर लेवल, दिस वन क्लियर कट दिख रहा है कि यार ये तो मेजर लेवल है ही हमारा, है ना। और क्या कर सकते हैं, इट लुक्स लाइक दिस एंड दिस, या दिस दिस वन सी। तो थोड़ा सा अगर ब्रॉड हो रहा है लेवल, अगर लेवल ब्रॉड हो रहा है तो यहाँ आएंगे, रेक्टेंगल ओपन करेंगे, ठीक है। ये देखो यहां से, देखो यहां यहां से स्टार्ट करूंगे, ओके ओके एंड नाउ वील मेक लेवल लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज नाउ आई सेटिस्फाइड दिस पॉइंट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो कवर्ड एंड हियर ऑल्सो इट इज। सो दिस जोन कैन बी लिटिल चॉपी, आई कैन से दिस दिस जोन, दिस इज अ परफेक्ट चॉपी जोन आई थिंक। या अगर एकदम सेफ ट्रेडिंग करनी तो ये, और नहीं अगर थोड़ा सा कर सकते हैं एंट्री, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इतना वेट नहीं करना है तो दिस इज ऑल्सो गुड, बिकॉज दिस क्लियर लेवल्स ओवर हियर, ओके। यहाँ पे भी क्लियर लेवल्स मिल रहा है, एग्जैक्टली इस विक का, इस घंटे की कैंडल का टच कर रहा है विक, और यहाँ सपोर्ट है। दिस इज अ गुड सपोर्ट लेवल जोन, इसको जोन बोलते हैं कि जोन किसको, कि व्हाट इज जोन? जोन इज समथिंग वेर यू आर गेटिंग रेजिस्टेंस बट नाउ यू आर गेटिंग सपोर्ट। तो ऐसा ना बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, पहले ये सप्लाई जोन था, अब ये डिमांड जोन है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर रीटेस्ट भी हो चुका है, ओके। सो दिस इज, ये क्या किया हमने, हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम एनालाइज किया। क्या एनालाइज किया? लेवल्स एनालाइज किया, कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ इंडिकेटर के लगाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 1 आवर व्हाट यू डू? नो नीड टू ओपन 30 मिनट्स, डबल हो जाएगा ना, और क्या होगा ज्यादा। अभी या तो 30 देख लो या तो 1 देख लो, वही देखेगा आपको, थोड़ा जूम आउट, थोड़ा जूम्ड आउट मिलेगा। आफ्टर दैट देन 15 मिनट्स, देन यू हैव टू एनालाइज द मार्केट इन 15 मिनट्स, ओके। व्हाट इज द स्ट्रक्चर गोइंग ऑन? ओके, इट लुक्स लाइक कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है, यार एक फ्लैग एंड ब्रेकआउट दे दिया, फिर से ये ब्रेकआउट दे दिया, अभी फिर से ये कंसोलिडेट कर रहा है, और किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है? समवन माइट से एक बॉटम, राउंडिंग बॉटम, एक कप एंड हैंडल, एक कप, एक हैंडल, तो बन, ये हैंडल बन चुका है उसका, एक कप एंड हैंडल जैसा आपको पैटर्न दिख रहा है, ओके ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल काइंड ऑफ अ पैटर्न ओवर हियर, यू सी, ओके। सो इट माइट ब्रेक आउट दिस और दैट, विल टॉक अबाउट द ब्रेकआउट्स, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। सो आपने कुछ इंटरेस्टिंग निकाला बजाज फाइनेंस में, दैट्स इट। तो 15 मिनट में निकालने के बाद अब हमारा, अभी क्योंकि ये साथ ही साथ मैं मार्केट एनालिसिस भी बना रहा हूँ मंडे, अच्छा आज वैलेंटाइंस डे गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग घर पे बैठे सिंगल्स एंड ऑल, अच्छी बात है, सब लोग देखो इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, एंड वैलेंटाइंस डे के दिन हम बना रहे हैं मार्केट एनालिसिस का वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 15 फरवरी को क्या करना है मार्केट में, तो उस पे आते हैं। सो नाउ आई विल ओपन दिस इंडिकेटर, क्यों मैं बताऊंगा आपको। सो अगर मैं आपको एनालिसिस देता हूँ, आपको मालूम है मैं कभी कॉल्स टिप्स नहीं देता कि कल तो मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, बहुत ऑब्वियस होता तो, जैसे लास्ट वीक मैंने टाटा मोटर्स बोला था, इट ब्लास्टेड ऑफ, ऐसा नहीं कि मेरे को मालूम था ऐसा होने वाला है। आई जस्ट एनालाइज द लेवल्स,
I just analyzed the technical levels and same you can do. चलो start करते हैं. Daily time frame पे मेरे को दिख रहा है कि market ने एक breakout, हल्का सा consolidation out. Okay, it has now it's a doji candle. It's a doji candle. हमेशा doji candle क्या होता है? Indecisive move होता है. अभी इसके बाद एक decisive move आ सकता है और नया week भी चालू हो रहा है. तो definitely we have a good. तो ये देखा मंथली से. अभी वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं और अभी मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूं मार्केट ने बहुत ही बढ़िया सा यहां पे एक पैटर्न बनाया हुआ है. क्या पैटर्न है ये आप देख लो. ओके, आप देख सकते हो यहां पे कि इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कंसोलिडेशन. वेरी ब्यूटिफुल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको. कल इसको यहां पर मैं सेट कर दूं. ओके, व्हाट डू यू सी ओवर हियर? कितने दिन का? अभी ये भी इंपॉर्टेंट है क्या इसके अंदर पूरा एक दिन है? हाँ देखो 12th फेब तो पूरा, इनफैक्ट 11th फेब के भी कुछ कुछ टाइम फ्रेम्स है. देखो 11th फेब को ब्रेकआउट करके ये स्टार्ट किया कंसोलिडेट करना. कंसोलिडेट क्यों होता है कोई भी स्टॉक? जब उसको एक बड़ा मूव करना होता है. सो इट विल गिव यू अ मूव. अच्छा तो कहां पे बाय करें? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या स्टॉक ने एक बार भी 5588 के ऊपर क्लोजिंग दी है? नो. आप इस विक से डरोगे कि यार यहां तो बहुत लंबी सेलिंग है. ये विक देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था 9-15 की कि आज के दिन बजाज फाइनेंस बाय ट्रेड तो नहीं करना है. भले वो चौपी, इसलिए वो चौपी रह गया यार, पूरा हफ्ता चौपी चला गया, पूरा साइडवेज चला गया. इट वाज एन ऑप्शन सेलर्स वीक, वेरी गुड वीक फॉर ऑप्शन सेलर्स. पूरा बात करेंगे निफ्टी में. एनीवेज नाउ विल गो हेड एंड टॉक अबाउट दिस. तो अगर आपको क्लोजिंग 5588 के ऊपर दिखती, कौन से टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे. इफ यू सी क्लोजिंग अबव, गो फॉर इट. Why? बिकॉज इट्स गोइंग टू ब्लास्ट आफ्टर दैट. ब्लास्ट मतलब क्या? अभी बोला राउंडिंग बॉटम है. राउंडिंग बॉटम का काम क्या होता है? राउंडिंग बॉटम का काम होता है कि ये जो लेवल्स है ना, ये जो लेवल्स हैं, जब ये ब्रेकआउट होते हैं तो मार्केट एक अच्छा मूव देता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड. नो वन नोस कल क्या होगा. मार्केट बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, मार्केट जिस भी तरफ ब्रेकआउट देगा क्लोजिंग देगा. सो इट्स अ गुड बाय फॉर एवरी वन ऑफ यू. Above 55890, go buy Bajaj Finance. I can tell you the minimum target you'll get is this all-time high, kind of an all-time high only, 5658. It's a very big target. It's a very big target for you. अगर आप देखोगे तो ये 1%, 1.2% आप पूरा 1% तो पकड़ सकते हो ना. 150 रुपीस तो ले सकते हो ना स्टॉक में. 50 रुपीस will be good target for Bajaj Finance. So go ahead, don't worry about this this week. लेकिन candle भले फिर यहाँ buy करना पड़े, लेकिन कैंडल क्लोज होने देना क्योंकि वो क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है. नाउ सेकंड थिंग व्हाट आई सी ओवर हियर, आई सी फॉलिंग आरएसआई. आई सी द मोमेंटम हैज बीन लॉस्ट. तो ये हमको हिंट देता है कि मार्केट कुड गो बियरिश आल्सो. आई मीन यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ अ डाइवर्जेंस ओनली, इट्स काइंड ऑफ अ बियरिश डाइवर्जेंस ओवर हियर. दिख रहा है आप लोगों को कि यहां पे बियरिश डाइवर्जेंस है आपके सामने. सो दैट्स इट फॉर बजाज फाइनेंस. बाय अबव 5590 and sell below 5542. What are the targets? Simply put up pivot points and take one or two pivots as targets. अगर समझ नहीं आ रहा है, ऊपर का तो मैंने टारगेट दे दिया है, नीचे का भी बात करेंगे. तो नीचे का भी जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है दैट इज डेफिनेटली काफी अच्छा रेंज, मतलब अच्छी रेंज है यार कल हमारे पास बजाज फाइनेंस के लिए. ओके, आई हैव गिवन यू अ गुड कंसोलिडेटिंग स्टॉक. सो यू हैव अ गुड टारगेट समवॉट अराउंड 1.5% over here and 1.2% over here. Okay, so first stock Bajaj Finance done for you. Now second stock will go is Bank Nifty. क्योंकि top down कर रहे हैं तो पहले daily time frame खोल देता हूँ. Daily time frame खोल देता हूँ और क्या समझ में आ रहा है daily time frame देखने के बाद आप लोगों को कि यार do you see a morning star pattern, a proper morning star pattern? अब एकदम ideal morning star तो कुछ नहीं होता, मतलब समझो यार एक red candle है, ठीक है, रेड कैंडल भी उसमें भी लोअर प्राइस रिजेक्शन है, इट्स अ बुलिश कैंडल. देन एक डोजी है टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम अ वेरी क्रूशियल लेवल एंड देन आपका एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है. दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न. अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तुरंत बाय करना चाहिए, इट इज गोइंग बुलिश. है ना, कहां तक बुलिश? अच्छा अभी अब टॉप डाउन करना है तो पहले देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखना है. नजर देखे, ऐसा नहीं कि डेली खोल लिए और ये देख रहे हैं अच्छा तो मार्केट एक अपट्रेंड. अबे क्या भाई क्या करना, इतने दूर का अपट्रेंड क्या? मार्केट भले अपट्रेंड में, कल बेरिश नहीं हो सकता, हो सकता है. तो लोगों को नजर ही नहीं है, लोग गलत चीज ढूंढ रहे होते हैं डेली टाइम फ्रेम्स पे. तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ढूंढना है, अभी आपको मैंने बताया आपको क्या ढूंढना है. दिस इज व्हाट यू टू फाइंड. नाउ विल कम बैक ऑन आवरली टाइम फ्रेम. व्हाई आवरली टाइम फ्रेम? जो मैंने बोला ना ऑप्शन सेलर का ने काफी पैसा कमाया होगा. ये देखो ये पूरा हफ्ता है आप लोगों को, ये देखो ये पूरा का पूरा वीक है. यू जस्ट नीड टू ट्रेड 36500 का और 36500 और 3500 इस 1000 पॉइंट की रेंज में रह गया बैंक निफ्टी.
good money for option sellers and very bad for option buyers. Okay, so that's it. So ये बोलना चाहता था. एक घंटे का टाइम फ्रेम खोल के मैंने क्या दिखाया आपको, देखो लेवल्स कितने परफेक्ट लेवल्स हैं. क्या मार्केट एक बार भी इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है 35? देखो इतना बड़ा बड़ा फॉल आ रहा है 35,600 के नीचे जा रहा है ना, 35,436 तक जा रहा है, टच कर रहा है इस एरिया को, भाग जा रहा है ऊपर. मार्केट इज वेरी बुलिश. नाउ इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर यू कैन ऑल्सो सी कि मार्केट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने टच ले चुका है. अभी टाइम आ गया है मूव करने का. मार्केट माइट ब्रेक दीज लेवल्स ऑल्सो और मे बी दीज लेवल्स ऑल्सो. कहां जाएगा बात करते हैं. ओके, बट एज पर द डेली टाइम फ्रेम इट्स क्लियरली विजिबल. क्या क्लियरली विजिबल है, अभी 15 मिनट खोल लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है तो क्या विजिबल है आप बताओ. इट्स क्लियरली विजिबल, इट वॉज अ मॉर्निंग स्टार एंड दिस ब्रेकआउट ऑल्सो टेल्स यू द मार्केट वॉज ट्राइंग टू गो डाउन, देन इट ब्रोक आउट अगेन, एक कंसोलिडेशन. ओके, सो टुमारो गाइज इफ यू सी बैंक निफ्टी एनी वेयर गैप अप होता है एंड गैप अप होता है और जहां इस लेवल के पास आता है, इस लेवल के पास ब्रेकआउट देने के लिए क्लोजिंग, देखो इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दिया वैसे देखा जाए तो, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लोजिंग द मार्केट इज गिवन. सो एनीवेयर मार्केट कैन गो बुलिश. अगर कल मार्केट जनरल सेंटिमेंट कल बुलिश होता है ना, तो बैंक निफ्टी विल गो बुलिश डेफिनेटली. एंड अगर सेल करने के लिए तो मैं कॉशन दूंगा कि भाई सेल भी करना तो जब तक कि 35,600 के नीचे क्लोजिंग ना हो जाए, रिस्क मत लेना. मार्केट ये दिखा रहा है कि एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट है मार्केट को इसी रेंज में, तो ये रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज मेक श्योर डू नॉट सेल बिलो 35,600. हाँ, 35,600 के नीचे क्लोजिंग होती है, ऐसा नहीं विक चली गई. कौन से टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यू कैन ट्रेड नो प्रॉब्लम. बट व्हेन यू वांट टू गो बुलिश यू कैन सिंपली गो बुलिश. देखो मिनिमम 200 पॉइंट तो गैप अप खुलता ही है. यहां कहीं खुलता है, इट विल ब्रेक आउट इजीली, इट विल ब्रेक आउट दीज लेवल. इफ इट टेक्स दीज लेवल्स गो एंड टेक सम 200 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स और टेक सम पिवट लेवल्स, बिकॉज वी डोंट नो, बिकॉज दैट विल बी द ऑल टाइम हाई. सो वी डोंट नो हाउ फार इट कैन गो. सो दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स बैंक निफ्टी फॉर यू. आई होप मैं आपको ये एनालिसिस देते देते साथ में सिखाता भी हूँ कि एनालाइज कैसे करना है. फिर से वन डे खोलेंगे, वन डे टाइम फ्रेम खोलने के बाद क्या देखेंगे, ये आपको मालूम है जो लेवल्स बनाए मैंने पिछले हफ्ते भी मैंने इंडसइंड बैंक दिया था, देखो वो लेवल्स आज भी वैसे ही है. ओके, व्हाट डू यू सी, हम देखते कि हाई प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पे. देखो डेली टाइम फ्रेम पे सी ब्रेकआउट नाउ. It is kind of making, you see, it is kind of making a pattern like this. Again, it might break out. Mostly chances तो upper side के होते हैं, नीचे के भी हो सकते हैं. Anyways, हम लोग को इतना ज़्यादा discuss नहीं करना है. Exactly क्या होगा, क्या नहीं होगा. छोटे time frame पे आते हैं. छोटे time frame पे आने के बाद क्या देखते हैं? What do you see over here? That market is taking beautiful support, beautiful trend line. आपको मैंने कई बार वीडियोस में बताया है. क्या बताया है? कभी भी ट्रेंड लाइन देखते हो, हमेशा सोचते हो ना, काश कहां मिलता मेरे को स्टॉक, बताओ, यहां मिलता तो मैं क्या करता, खरीदता. अगर वो उठ रहा, ऐसा नहीं कि यहां गया खरीद लिया, अगर वो एक भी लोअर प्राइस रिजेक्शन देता है इस तरीके का, एक भी ग्रीन कैंडल देता है, तो आई कैन बाय इंडसइंड बैंक एंड गो फॉर द नेक्स्ट हायर हाई. ये फॉर्मेशन हायर हाई का है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम डेली में भी दिखाया मैं आपको, ऊपर की तरफ जा रहा है एंड एक कंसोलिडेशन वो कर चुका है. अगेन इफ यू सी इंडसइंड बैंक टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दीस लेवल्स, दिस टाइम इट विल गिव यू अ गुड बाय. ओके, आई विल गिव यू एग्जैक्ट लेवल्स बाय इफ मार्केट गैप्स अप, ओपन गैप्स अप, ब्रेकिंग दिस लेवल बाय, नो प्रॉब्लम. ओके, यू सिंपली गो एंड बाय इंडसइंड बैंक अबव 1041 और आई विल स्मूथ द लेवल्स फॉर यू. 1040 के अबव जो क्लोजिंग देगा मार्केट, यू दिस अ गुड लेवल फॉर यू. और आई शुड से 1043 इज अ परफेक्ट लेवल बिकॉज मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाता है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है. एंड ये तो टारगेट यार लिख के ले लो, मिलेगा, बट आई थिंक यू विल गेट 1071 ऑल्सो. सो दैट इज अ गुड टारगेट फॉर यू फॉर इंडसइंड बैंक. एंड इफ द मार्केट इज ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन, अगर ब्रेक कर देता है, इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है ना, तो दिस इज द टारगेट फॉर यू 987. ऑलराइट, बट मुझे नहीं लगता कि तुरंत, मैं बता रहा हूँ ना, मार्केट इज बुलिश, ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, तो इसको यहाँ भी सपोर्ट मिलेगा, यहाँ भी सपोर्ट मिलेगा, यहाँ भी चांस रिवर्सल का, तो इट वुड बी चॉपी. सो आई सजेस्ट डोंट शॉर्ट,
इंडसइंड बैंक, अगर बाय का केस मिलता है तो बाय करना, सेल के लिए कोई और स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है। सेल जैसे लास्ट टाइम बोला था मैंने, सेल करोगे तो हैवेल्स करना, बाय करोगे तो टाटा मोटर्स करना, लाइक दैट। हैवेल्स भी लास्ट टाइम गया था ऊपर, गिरा भी नीचे उसी लेवल पे। आगे बढ़ते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में सिंपल एनालिसिस है, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं। डेली टाइम फ्रेम खोलने के बाद व्हाट डू यू सी? यू सी अ लोअर प्राइस रिजेक्शन ओवर हियर, जस्ट वन मिनट। यू सी अ लोअर प्राइस रिजेक्शन ओवर हियर, इट्स टेकिंग हियर ऑल्सो यू सी अ मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न एंड अगेन अ लोअर प्राइस रिजेक्शन। ये ऊपर भी रिजेक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस लेवल, व्हाट इज दिस लेवल? दिस हैज अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर, 245। So, come down to a smaller time frame and plan. What can we plan? देखो बहुत important levels पे market, ये भी last week के ही levels है मेरे हिसाब से। Just one minute. This laptop is behaving weird. Okay. You see this move break, एक अच्छा move दे चुके, वापस consolidate करके, मतलब consolidate नहीं, retest करके ऊपर जाने की तैयारी है। एक कैंडल से कुछ नहीं होता, कई लोग की नजर अटक जाती, नहीं नहीं ये तो नीचे जाएगा एक कैंडल, ऐसा पूरा मार्केट स्ट्रक्चर देखो ना। डोंट यू सी दिस बिग मूव? डोंट यू सी दिस बिग मूव और ये करेक्शन? कि आपको कई लोग सिर्फ एक कैंडल पे स्टक हो जाते हैं, नहीं नहीं इट हैज गिवन लोअर प्राइस, नॉट लाइक इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। मार्केट को एक आंख से ऐसे नहीं देख सकते, आपको पूरा स्ट्रक्चर देख के समझना है कि अच्छा ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर यू निफ्टी। इफ द मार्केट इज गोइंग बुलिश, if the market is going bullish, you can simply buy, you can simply buy. I think देखो safe side काम करना है। अगर आपको market देखो gap up भी खुलेगा तो यहाँ कहीं gap up खुलेगा, you can go ahead and buy above 15 to 45 के ऊपर levels पे मेरे को लगता है market bullish है, bullish रहेगा, क्योंकि इतना तो gap खुलेगा ही, थोड़ा इतना यहाँ तक का gap खुलेगा। अगर ऊपर जाना होगा तो थोड़ा और देख सकते हो सकता है ऐसे rejection लेने, who knows कि third top बना दे, फर्स्ट डबल टॉप तो बना चुका है वो, थोड़ा थर्ड टॉप बना दे, हु नोज ना कि आगे क्लोजिंग नहीं दे पाया, ऐसी कैंडल बन गई, रेड बन गई, आपने शॉर्ट करना है यहाँ पे, सिंपल है। एंड ये टारगेट बनाना है आपका, तो दिस यू हैव टू लुक। सो डोंट बी इन हरी, टुमारो मॉर्निंग ही मार्केट खुलते ही 9-16 पे ट्रेड ले लिए, वेट, वॉच फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, देन यू गो एंड ट्रेड फॉर निफ्टी। एंड निफ्टी इज हैविंग सपोर्ट एट दिस लेवल, ओके, दिस लेवल इज अ गुड सपोर्ट लेवल, 15,100 should be a round number. We'll make it 15,100. This is a good support level. Nifty will touch these levels. Agar ye dekho, ye levels hain 14,982. Agar 15,100 ke niche closing deta hai to. Okay. Now Reliance. If you same top down, we'll do top down analysis. If you open a daily chart, what do you see? You see daily chart kyun dekhte hain? Ek pura ye nahi dekhte ki downtrend mein, aise nahi. Recent ek swing kya? Ek high ki taraf ja raha hai. और हाई की तरफ जाने के बाद ओवर हियर इफ यू सी एक लोअर प्राइस रिजेक्शन ले चुका है वो, ओके। सो नाउ देख लिया, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, व्हाट डू यू सी ओवर हियर? सिंपली सी अ गुड पैटर्न, हमेशा आप देखते हो, अगर मैं यहां पे लिख दू फ्लैग एंड पोल, पैटर्न हम ये लिखते हैं, व्हाट डू यू सी ओवर हियर? सी हमेशा आप देखोगे कि यही देखते हो पढ़ाई पे, देखो रियल टाइम पे स्पॉट करना, उसको ट्रेड करना कुछ और होता है। सो इवन इफ रिलायंस ओपन्स गैप, इफ रिलायंस गैप्स अप इवन, ना हाँ बढ़िया है, सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर ये गैप अप भी खुलता है ना, या टेकन सपोर्ट रिसेंटली फ्रॉम 50 मूविंग एवरेज ऑल्सो, अगर ये गैप अप भी खुलता है, इट विल बी अ बुलिश स्टॉक एंड इट विल डेफिनेटली मेक अ न्यू हाई। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है बाय करने लायक मार्केट। अगर बाय करना है ना तो रिलायंस पे भी जा सकते हैं बाय करने के लिए। अगर आप देखना है आपको यहाँ पे आना है, अपना एनर्जी निफ्टी एनर्जी चेक करना है, निफ्टी एनर्जी कैसा चल रहा है, निफ्टी एनर्जी भी पॉजिटिव में है तो आप उसको, इट्स अ गुड स्टॉक फॉर यू। सिंपल 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 थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट, कीप योर थिंग्स सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी इतना एग्जीक्यूट करना मार्केट में टफ है, उसमें भी अगर एनालिसिस टफ बनाओगे तो वेरी सिंपल फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ओके, गुड स्टॉक रिलायंस। Now we'll check Tata Steel. Q Tata Steel, beautiful levels. If the market breaks down this level, directly it's coming here. You see, there is no resistance and no support in between. Very beautiful levels, 2% target. So simple analysis diya. These are the levels 680 to 664. You simply short Tata Steel. If it is already given you kind of a, you know, evening star kind of a pattern over here, that too, wo bhi ek market consolidate karke
फॉल करके। तो अगर देखो पहला बियरिश स्टॉक मिला, अगर सेल करना सारे स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना, अगर सेल करना तो टाटा स्टील पे जाना, अगर मार्केट बुलिश होता है तो रिलायंस पे जाना, ऐसा कर सकते हैं। सो ऑलवेज हैव अ थिंकिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं सब पे कूद गए सारे ट्रेड ले लिए। सो दिस इज टाटा स्टील फॉर यू, आई विल प्रेफर सेलिंग इफ द मार्केट इज बियरिश। नेक्स्ट स्टॉक विल सी TCS, अ ब्यूटिफुल। देखो वैसे भी IT स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आया नहीं काफी समय से, फिर मैं वही बोलूंगा भाई देखो अगर आपको ट्रेंड लाइन मिलती है, कहां चाहते हो ट्रेंड लाइन मिले आपको? ऑब्वियस सी बात है भाई, काश यहां बाय कर लेते, भाई काश यहां बाय कर लेते, भाई काश यहां बाय कर ले। समझ में आया क्या बोलना चाहता हूं? यू ऑलवेज वॉन्ट अ स्टॉक जो यहां पे हो, ऐसा नहीं कि हाँ यहां पहुंचने के बाद क्या करोगे, हाँ सेल लेकिन कंसोलिडेट करके गिरा ना, हाँ ठीक है, बीच वाला स्टॉक नहीं चाहिए मेरे को। अगर कल TCS यहां पे छोटा सा भी गैप देता है ना ऊपर की तरफ और मार्केट बुलिश होता है, निफ्टी IT जो सेक्टर है बुलिश होता है, प्लीज गाइस गो अहेड एंड टेक द मिनिमम टारगेट ऑफ 3234 एंड कीप एन आई ऑन दिस। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड इफ इट इज ब्रेकिंग द असेंडिंग ट्रायंगल चैनल। असेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा स्विंग ट्रेड होगा, इन्हीं लेवल्स के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड यू कैन टेक द ट्रिक फॉर 10 डेज 12 डेज 1 वीक 1 मंथ राइट लाइक दैट। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल एंड वेरी पावरफुल असेंडिंग ट्रायंगल एंड इट्स ऑन अ ट्रेंड लाइन ऑल्सो, सो वेरी गुड। नाउ गोइंग अहेड विद ब्रिटानिया, बाय ब्रिटानिया। अच्छा सो सॉरी मैं मल्टीपल टॉप डाउन एनालिसिस कर रहा है, तो TCS भी एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं क्या कर रहा है ना, देख लेते हैं एक बार। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, अभी डेली टाइम फ्रेम निकले गया, इट कुड फॉल ऑल्सो बिकॉज इट इज टेकन अ बिग काइंड ऑफ अ व्हाट वेयर डोजी इट्स कॉल्ड यू नो लाइक अ ग्रेवस्टोन डोजी लाइक इट कुड फॉल। हाँ बट फिर भी सपोर्ट है वहां पे, अगर फॉल होता है तो, अगर बियरिश दिन होता है तो हमने निकाला ना इसके पहले कोई सा स्टॉक, कौन सा स्टॉक था इसके पहले हमने, टाटा स्टील, टाटा स्टील करेंगे, टाटा कंसल्टेंसी छोड़ देंगे क्योंकि ये एक चैनल ऐसा बना रहा है, हो सकता है ये थोड़ा सा फॉलो फेक ब्रेकआउट दे और फिर ऊपर आ जाए तो कोई मतलब नहीं है। गुड लेवल्स इन टाटा स्टील, डू कीप दिस ओनली फॉर बाइंग, ओके चलो सही है। तो टाटा TCS इज ऑल्सो डन। नाउ ब्रिटानिया विल गो वन डे, वी सी अ बिग फॉल कमिंग, ऑलरेडी इट्स फॉलिंग लाइक दिस, यू सी कैसा फॉल कर रहा है ये, ऑलरेडी काफी ज्यादा इसमें सेलिंग है, ऑलरेडी काफी ज्यादा सेलिंग है और इट कुड मेक अ बिग, इट कुड मेक अ बिग फॉल बट आई डोंट थिंक सो इट विल मेक इट टुमारो, मे बी इट कैन मेक, बट देखो ये पैटर्न देख रहे हैं आप लोगों को, ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग, ठीक है। अभी इसको कैसे इसको ट्रेड करना है मैं समझाता हूँ, डेली देख लिया बट मैं अब आवरली टाइम फ्रेम पे जाना चाहता हूँ। अभी आवरली टाइम फ्रेम पे भी आपको देखेगा बढ़िया सा कंसोलिडेशन है, एज पर माई एक्सपीरियंस वेन एवर दीज काइंड ऑफ पैटर्न ब्रेक, लेट मी टेल यू सी हाउ दे ब्रेक, लेट मी टेल यू, जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं ना तो दे मिनिमम मेक थ्री टच, लाइक 1 1 2 2 3 3 नाउ इधर दिस साइड और दैट साइड, मोस्टली डाउन साइड डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक बट लाइक दिस दे वर्क लाइक दिस। सो मेरे हिसाब से अभी इसमें कंसोलिडेशन बाकी है, अब ये करेगा तो ये क्राउंड और घूम के आएगा तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। हाउ लुक एट दिस गाइस, डू यू सी अ बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश मार्केट में बुलिश डाइवर्जेंस मिलना, टाटा मोटर्स में भी बुलिश डाइवर्जेंस था मैंने बोला था आप लोगों को, याद है आप लोगों को, यू सी अ बुलिश डाइवर्जेंस द मार्केट इज मेकिंग लोअर। अगर देखो अभी भी परफेक्ट परफेक्ट उस पे ज्यादा अच्छा काम करता है डाइवर्जेंस लाइन चार्ट पे, क्यों बॉडी वैसे बॉडी क्लोजिंग्स देखता है वो लाइन चार्ट। एनीवेज सो व्हाट डू यू सी, बुलिश डाइवर्जेंस द मोमेंटम इज इंक्रीजिंग, सो यस एक बेनिफिट, गुड टारगेट राइट, यू हैव अ गुड टारगेट ऑफ अराउंड 1.65% maybe 1.5%, take this benefit if it is going bullish and if it is breaking good big levels will come. तो वो बात कर लेते कितने होंगे, okay. तो अगर buy करते हैं तो मेरे हिसाब से इस trend line पे देखना, अगर ये selling आ गई तो फिर निकल जाना, नहीं तो देखते हैं यहां तक भी आ सकता है, यहां पे आके maybe wick share करके कर सकता है, take pivot points for the target, okay, can't give you specific levels for this. लास्ट आई थिंक टेक महिंद्रा है, लास्ट है। देखो मैं आपको लास्ट वीक भी दिया था टेक महिंद्रा बुलिश है करके, देखो मार्केट वहां से काफी ये रहा 3 फेब ना, हाँ 3 फेब की बात है ना, नहीं किस डेट को मैंने लास्ट वीडियो बनाया था,
9/8 ओके 8 फेब को देखो 8 फेब को मैंने आपको बुलिश दिया था टाटा टेक महिंद्रा. देखो 8 फेब इट वेंट ब्रेकआउट नेक्स्ट डे सीधे इतना हिट द टारगेट, वापस सपोर्ट लिया उसी ट्रेंड लाइन से ऊपर गया है. अभी ये क्या करने वाला है, अभी आपको ऐसा स्विंग ट्रेड इसकी नजर रखनी है. 1000 रुपीज के ऊपर जा चुका है एक बार, रिजेक्शन मिल गया इसको. अभी हो सकता है ये एक बार ना थोड़ा कंसोलिडेट होके या नीचे आके दोबारा जब ये एक रे स्टार्ट करेगा ना, टेक एंट्री हियर समवेयर हियर एंड होल्ड इट इवन दिस प्लेस बिकॉज इट माइट ब्रेक इट. व्हाई? इट्स असेंडिंग ट्रायंगल चैनल, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है. अगर आईटी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आएगा तो टेक महिंद्रा मत छोड़ना, क्योंकि ये 1000 के लेवल के ऊपर जाने के बाद इट इज गोइंग टू गिव यू सम गुड स्विंग ट्रेडिंग बेनिफिट्स. सो दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग. ओके, सो या यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट लेवल नंबर 1032, देन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट 1080, मे बी हायर देन दैट ऑल्सो. स्विंग ट्रेडर्स इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे इस लेवल के नीचे और इसको चलने देंगे, लेकिन तुरंत जंप नहीं करना बाय कल. आपको देखना है मार्केट कैसा कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे कैसा बिहेव करता है. आई थिंक इट माइट, मैंने बोला ना 3 टच करता है ट्रेंड लाइन पे, तो माइट एक टच और हो जाए, एक टच होने के बाद माइट इट माइट ब्रेक. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया. बाय डूइंग दिस वीडियो मैंने आपको टॉप डाउन भी समझा दिया कि क्या नहीं देखना है, मंथली वीकली नहीं देखना है जब तक कि 3 महीने 1 साल की ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो. ओके, नहीं देखना है, रनिंग मार्केट में भी नहीं देखना है, 1 डे भी नहीं देखना रनिंग मार्केट में. वही कैंडल ऊपर नीचे घूमते रहेगी, बंद हो रहेगा मार्केट तो देख सकते हो BTST ट्रेड लेने के लिए. और क्या देखना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझाया मैंने, क्या देखना है 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस टाइम फ्रेम में क्या चीज देखनी है. ओके, तो चलो नाउ आई टेक योर लीव एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो आई ब्रिंग मेक सम मोर वीडियोज फॉर यू एंड या ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर ट्रेडिंग. ओके, थैंक यू गाइस, बाय. या एंड वन लास्ट थिंग, I will post a link with my Zerodha ID. I told you guys, अगर आपको इस चैनल से अच्छा कंटेंट मिलता है, if you like this, so you should also support the channel. And channel support करने का मतलब है simple है. I want to be the number one partner of Zerodha. So if you can help me in that, if you can get your accounts open with my code, it will help me to become the number one partner of the most reputed company, I believe in the best company, best broking company. A lot of people are actually approaching me ki iska bhi add kar doga, main nahi kar sakta, jo main use nahi karta main nahi kar sakta. So okay, so if you like this video, like the content, please help me become the number one partner of Zerodha. Let's see hum ban pate kya 2025 tak. Big target, kafi time hai. Chalo, bye. Alright, तो I hope कि इस वीडियो के साथ लर्निंग भी मिली होगी, सीखने भी मिला होगा, ताकि फ्यूचर में आप भी अपना एनालिसिस करो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं. Alright, if you like the video, please like this series because मैं बहुत सारे और वीडियो एजुकेशन के लाने वाला हूँ. अगर आपको पसंद आया तो आई विल सी हाउ मेनी लाइक्स इन दिस वीडियो एंड देन अगेन आई विल क्रिएट मोर कंटेंट लाइक दिस ओनली, थ्योरीज एंड ऑल, ये सारी चीजें जो मार्केट से रिलेटेड होती है. लास्टली आई टोल्ड यू द Zerodha थिंग, इफ यू कैन हेल्प मी टू बी द नंबर वन पार्टनर बाय 2025, आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू. ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो, बाय.